हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलाय ब्यूटी केयर चैनल। तो आज ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, हम लोग ज़्यादातर लोग हम लोग पार्लर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, ग्लोइंग बनाएगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर कर देगा, बट किसी को भी कुछ भी कोई भी रेमेडी या फिर कोई भी क्रीम आप यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके स्किन को अचानक से ब्राइटन अप कर देगा। बट हाँ, हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो हमारी स्किन को इवन टोन रखे, क्लीन रखे, और उसकी जो हमारे स्किन का जो नेचुरल ग्लो है वो हमेशा बना रहना चाहिए लाइफ टाइम। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो मैं आप लोगों के लिए चार रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि पहली रेमेडी है मेरा स्क्रब, और बाकी की तीन रेमेडी हैं पैक। तो स्क्रब आपको वीकली आपको यूज़ करना है, वीकली टू टाइम्स यूज़ करना है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप इसको हमेशा कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको इसको यूज़ करने से आपको अपने स्किन पर खुद ही डिफरेंट पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ अपनी पहली रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ हनी की और पाउडर शुगर की। तो हम एक बाउल में थोड़ा सा हनी लेंगे और थोड़ा सा पाउडर शुगर लेंगे। तो मैं एक बाउल में एक चम्मच हनी ले लेती हूँ। ये मैंने ले ली है एक चम्मच हनी, और इसमें मैं उसी क्वांटिटी में इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी, पाउडर शुगर ऐड करूँगी एक चम्मच। ओके फ्रेंड्स, तो इसको ऐसे मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया स्क्रब। तो फ्रेंड्स, और हमें इसे अप्लाई कैसे करना है, आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है और इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। इसको अपने पूरे फेस पर इस तरह से लगाकर छोड़ देना है 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के लिए छोड़। तो फ्रेंड्स, आफ्टर 10 मिनट्स इसको अपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से रब करना है अपने पूरे फेस पे, एकदम हल्के हाथ से, हल्के हल्के हाथ से आपको ऐसे रब करना है। एक मिनट तक आप इसको ऐसे रब कर लीजिए, और रब करने के बाद क्लीन कर लीजिए। सो सॉफ्ट। बिलीव मी गाइज, आप इसको वीकली टू टाइम्स यूज़ करिए, आप इसका इफ़ेक्ट खुद ही देख लेंगे। तो मेरी नेक्स्ट रेमेडी है मेरा फेस पैक। तो मैं आपको तीन तरह के फेस पैक बताऊंगी जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट डेज में आपको अप्लाई करने हैं। आप कभी भी कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, बस मैं आपको वैरायटी ऑफ पैक्स बता रही हूँ। तो जो मेरा पहला फेस पैक है उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्राम फ्लोर की, इट मीन्स बेसन, और टर्मरिक। ये कस्तूरी टर्मरिक है फ्रेंड्स, आप जो नॉर्मली हमारे किचन में यूज़ होती है आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। बट हमारे किचन में जो यूज़ होती है, हम लोग उसके साथ उसमें मसाले वगैरह भी रखते हैं, तो उससे कभी कभी इरिटेशन हो जाती है, कभी कुछ टच हो जाता है मिर्ची या फिर कुछ और मसाले। तो ये जो कस्तूरी हल्दी आती है ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत बेनिफिट होता है। करिए कस्तूरी हल्दी, अलग अलग ब्रांड में आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है, और ये जो पैक मैं आपको बता रही हूँ ये पैक आप अपने पूरे बॉडी में वीकली टू टाइम्स अपने पूरे बॉडी में, आप साबुन से या कोई भी बॉडी वॉश मत करिए, आप
इससे इसको बेसन और हल्दी का पेस्ट बनाइए और अपनी पूरी पूरी बॉडी में आप इसको लगाकर थोड़ी देर 2-3 मिनट तक पूरे बॉडी में, फेस से लेकर पूरे बॉडी में आप इसको थोड़ा सा रब करिए, 2-3 मिनट तक पूरे बॉडी में रब करिए और फिर इससे और फिर नहा लीजिए। बिलीव मी गाइस, आपको ऐसा फील होगा कि इतनी स्मूथ हो जाएगी आपकी स्किन, आपको लगेगा कि मैंने क्या लगाया है, मतलब इतनी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी ना आपकी, आपको लगेगा कि मैं साबुन और किसी भी सोप से या फिर किसी भी बॉडी वॉश से क्यों नहाऊँ, जबकि हमारी होम रेमेडी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि होम रेमेडी बनानी कैसी है। तो आपको ये बेसन लेना है, जितनी भी क्वांटिटी में आपको लेना हो, जितना आपके ऊपर यूज़ हो, आपको बेसन लेना है और इसमें मिलाना है आपको टर्मरिक पाउडर। तो मैंने इतने बेसन में मैंने इतनी लगभग आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने हल्दी मिलाई है और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको मिक्स करके आप अपने बाथरूम में किसी भी डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आप जब भी आपको इसे नहाना हो, आप बाथरूम में जाइए और कुछ कोई भी एक बाउल इसके साथ रखिए, ताकि आप इसको उस बाउल में निकाल कर इसमें पानी पानी मिलाकर इसको पेस्ट बना लें और फिर इसको अपने पूरे बॉडी पर अप्लाई करके इसको रब करें 2-3 मिनट तक, इसको रब करें, इसका पेस्ट बना लें और इसको रब करें और फिर इससे आप नहाएं। तो ये बेसन, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, ये हमारी स्किन को फेयर बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, ये सनटैन को रिमूव भी करता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और आपको कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप वीकली 2 टाइम्स इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आपको कैसे अप्लाई करें। देखिए, मैंने ये पेस्ट बना लिया है और इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने बॉडी को गीला करना है और पेस्ट लेना है, इसको अपने बॉडी पर लगा देना है, पूरे बॉडी पर इस तरह से आपको लगा देना है और लगा के इसको इस तरह से मसाज करनी है। आपको अपने फेस पे, अपने नेक पे, अपने पूरे बॉडी पे आपको लगाकर इस तरह से मसाज करनी है 4-5 मिनट तक। इस तरह से आप इस मसाज करिए। ये फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिए, आप इसको ट्राई करके देखिए, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने क्या ट्राई कर लिया है, आपने क्या लगाया, आपने इतनी स्मूथ हो जाएगी आपकी स्किन, आपको बिलीव नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसका इफ़ेक्ट आपको तुरंत दिखता है और इसको आप वीकली 2 टाइम्स इसको ट्राई कर सकते हैं। आप हफ्ते में 2 बार इसको यूज़ करिए और आप इसको ड्राई बनाकर अपने बाथरूम में स्टोर करके रख सकते हैं, साथ में कंटेनर रखिए, जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप कंटेनर में इसको निकालिए, नॉर्मल वाटर मिक्स करिए और बस इसको अप्लाई करिए और 4-5 मिनट के बाद इसको इस तरह से स्क्रब करिए, उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। तो मैं वॉश करके आती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको मेरी स्किन में आपको कुछ फ़र्क दिख रहा होगा, यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद फ़र्क दिख रहा होगा आपको मेरे स्किन में। तो सोचिए, अगर आप इसको हमेशा, और ये इतना स्मूथ लग रही है ना, ऐसा लग रहा है मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, सो सॉफ्ट फीलिंग, सो सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी नेक्स्ट रेमेडी और फ्रेंड्स, मेरा थर्ड फेस पैक है जिसमें आपको लेना है थोड़ा सा हनी, जिसमें आपको लेना है थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा, इतना सा, थोड़ा सा हनी लेना है आपको, थोड़ी सी हल्दी लेनी है टर्मरिक। फ्रेंड्स, ये मैंने ले ली थोड़ी सी टर्मरिक, थोड़ी सी टर्मरिक ले ली और अब आपको लेना है
अब आपको लेना है एलोवेरा जेल, तो मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लेती हूँ, बस इतना सा। तो फ्रेंड्स आपको ये लेना है, इस तीनों चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है, इनको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने पर ही ऐसा हो जाएगा। मिक्स करने के बाद आपको इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा यूज़ करना है, 3-4 बूंद, और फिर इसे मिक्स करना है, और फिर इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। फ्रेंड्स मैं इसको अप्लाई करके बता देती हूँ, इस तरह से आपको अप्लाई करना है पूरे फेस पे, इस तरह से आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है फ्रेंड्स, पूरे फेस पे आप इस तरह से अप्लाई करेंगे, और इसको इसी तरह आपको 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है फ्रेंड्स। आफ्टर 15-20 मिनट्स इसे रिमूव कर देना है। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो गए हैं और मैं भी रिमूव करके आ गई हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे हैंड को पहले से कितना क्लीन लग रहा है और सॉफ्ट भी। फ्रेंड्स जो मेरा फोर्थ पैक है वो आपको एक मास्क की तरह अप्लाई करना है 15-20 मिनट्स के लिए, वो भी आप वीकली 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देना है, मुल्तानी मिर्ची पाउडर कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। आपको लेना है एक बाउल में मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, आप अपनी फेस की क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं, और उसमें मिलाना है आपको थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर, चंदन पाउडर। तो इसी मुल्तानी मिट्टी में मैं थोड़ा सा मिला रही हूँ चंदन पाउडर, ठीक है, और इसी में आपको मिलाना है एलोवेरा जेल। तो मिलाना है एलोवेरा जेल, बस, और आपको इसमें मिलाना है गुलाब जल। तो मैं इसे मिला देती हूँ गुलाब जल, और आपको इसमें मिलाना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं आप। ग्लिसरीन आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाकर रखता है। अब इसको हम मिक्स करते हैं, ये मैंने मिक्स थोड़ा सा ड्राई है तो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल दी हूँ ताकि इजीली आपके फेस पे अप्लाई हो जाए। कंसिस्टेंसी इसकी इतनी रखनी है जितनी में आपका ये फेस पे अच्छे से लग जाए। तो ये मेरा चौथा फेस पैक है, आपको इसको अपने फेस को पूरा क्लीन कर लेना है और फिर अपने फेस पर इस तरह से आपको लगा लेना है। आपको अपने फेस पे इस तरह से लगा कर छोड़ देना है। आप इसको 15-20 मिनट तक आप इसको लगा कर छोड़ सकते हैं, और इसके इफ़ेक्ट आपको डेफिनेटली आफ्टर 1 वीक ही आपको देखने लगेंगे। इसमें से आप कोई भी रेमेडी ट्राई करिए फ्रेंड्स, आप तीनों पैक में से कोई भी पैक आप ट्राई करिए, और आप स्क्रब को वीकली 2 टाइम्स यूज़ करिए। आप यूज़ करके खुद देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग, ब्राइटन अप, और इवन टोन, और आपकी जो भी आपका कलर है उससे एक टोन हमेशा आपका स्किन फेयर लगेगा। तो फ्रेंड्स इसको हम 15 मिनट तक रहने देते हैं, आफ्टर 15 मिनट ड्राई होने के बाद हम इसे वॉश कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी स्किन सो स्मूथ और ग्लो कर रही है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी इवन टोन लग रही है मेरी स्किन। तो फ्रेंड्स आप भी इसे
ट्राई करिए। और फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।